दोस्तों कैसे हो आप सब। मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में बताया था कि संघर्ष पार्ट 2 की हीरोइन कौन सी हो सकती है। वहां पे मैंने अमरपाली का नाम लिया था, नीलम गिरी का नाम लिया था, अक्षरा सिंह का नाम लिया था, मेघा श्री का नाम लिया था, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किया था कि मेघा श्री हो सकती है संघर्ष पार्ट 2 में हीरोइन। तो भैया मेरा जो है भविष्यवाणी हो चुका है सही, संघर्ष पार्ट 2 की हीरोइन जो है मेघा श्री जो है फाइनल हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी दो एक्ट्रेस को लिया गया है, एक है माही श्रीवास्तव और दूसरी है सबा खान। तो माही श्रीवास्तव और सबा खान जो है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के गाने में बहुत बार दिख चुकी हैं। काला साड़ी सॉन्ग दिखे होंगे जिसमें माही श्रीवास्तव काम की है, और सबा खान जो है वो भी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी की तरफ से बहुत से गाने में दिखी हैं। तो दो जो बाकी हीरोइन है वो जो है भैया रत्ना कुमार जी सेलेक्ट किए हैं। बाकी जो मेघा श्री को सिलेक्शन किया गया है ये कहीं ना कहीं खेसारी भाई का बहुत बड़ा हाथ है। सबको पता है कि राउडी स्पेक्टर में, बोल राधा बोल में बहुत ऐसी मूवी आई खेसारी भाई की, मतलब आने वाली कुछ मूवी जिसमें जो है मेघा श्री को लिया गया था। तो मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस था वो मेघा श्री पे था, और सच में मेघा श्री को इस मूवी में लिया गया है, मुझे जान के बहुत खुशी हुई है। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि मेघा श्री को क्यों लिया गया, अमरपाली को क्यों नहीं लिया गया, उसके बाद में अक्षरा सिंह को क्यों नहीं लिया गया, ऐसा करके कमेंट कर रहे हैं अभी वीडियो पे, बहुत से वीडियो पे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई जो भी हीरोइन लिया गया है संघर्ष पार्ट 2 में, बहुत अच्छे तरीके से जानबूझ के और समझ के मेघा श्री को लिया गया है। क्योंकि मेघा श्री का एक्टिंग देखना है तो आप राउडी स्पेक्टर मूवी देख लेना, आ रहा है अभी बहुत जल्द। उसके बाद में सारी की एक गाना आया था मड़वा में एरवा, उसमें जाके संघर्ष मतलब हमारी जो मेघा श्री है उसका एक्टिंग देख लो भाई, मुझे भाई मजा आ गया था उनका एक्टिंग देख के। और शायद यही एक्टिंग आज उनको है संघर्ष पार्ट 2 जो कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे महंगी और सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। अब भैया सारा फिल्म जो है थाईलैंड में शूट किया जाएगा, बहुत से नेपाल में, बहुत से इंडिया में, बहुत से जगह पे इसको शूट किया जाएगा। और वीरू ठाकुर लिखे हैं इसमें, जो पवन सिंह के पर्सनल राइटर थे, पवन सिंह के लिए बहुत से ज्यादा फिल्म लिखे थे, लेकिन भोजपुरी की सबसे महंगी और सबसे बड़ी फिल्म जो है खेसारी लाल यादव के लिए लिख दिए हैं। अब बता देना चाहता हूँ इसमें जो गाने हैं वो कृष्णा बेदर्दी के होंगे सारे गाने भाई साहब, क्योंकि कृष्णा बेदर्दी अभी फॉर्म में है। उसके बाद में इसमें बहुत से ऐसे और एक्टर देखने को मिलेंगे, अभी तो मुझे कॉमेडियन कौन सा ये जो है अभी फाइनल नहीं हुआ है, हो सकता है कि कॉमेडियन के रूप में आपको महेश आचार्य देखने को मिले। उसके बाद में बहुत से ऐसे एक्टर हैं जिसको लिया जा सकता है, लेकिन मुझे इस बात की जान के हैरानी हुई कि भैया मेघा श्री को लेके बहुत अच्छा काम किया है संघर्ष पार्ट 2 में। और मुझे उम्मीद है कि भैया जब संघर्ष पार्ट 2 का ट्रेलर आएगा, फिल्म आएगा, तो हमारी जो मेघा श्री है आग लगा देंगी आग, क्योंकि मेघा श्री का एक्टिंग भाई साहब लाजवाब है। क्योंकि आप जाके मड़वा में एरवा गाना देखो, इतना छोटे से गाने में इतना जबरदस्त एक्टिंग कर सकती है, तो पूरे फिल्म में कितना जबरदस्त तरीके से आग लगाएंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। बाकी ये न्यूज सुन के आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो को। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, चलते हैं।